हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइस, अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में गूगल मैप के एप्लीकेशन में जब भी कोई भी लोकेशन यहां पे आप ट्रैक करते हैं तो फिर लोकेशन वगैरह देखते हैं, तब यहां पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। यहां पे लिखा रहता है कांट फाइंड अ वे देयर। तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो गाइस, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज एप्लीकेशन में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है मैप्स। तो इस तरीके से आपको जो है मैप लिखना है, और जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये आएगा, तो आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा को इस तरीके से इनेबल करके ओके कर लेना है। तो जैसे ही आप इस तरीके से सेटिंग करते हैं तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है गाइस, वो आपके फ़ोन में तभी आता है जब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहता है, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको जो है सेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।